YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो हम बात करेंगे दो बेहतरीन शेयर जिसको आप बाय कर सकते हैं। एक शेयर ऐसे आपको बताएंगे जिसपे अभी ब्रेकआउट हो रहा है जो की काफी ज्यादा बुलिश है, और एक ऐसे शेयर जो काफी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं जिसमें आप काफी डिस्काउंट प्राइस पे उसको बाय कर सकते हैं और काफी बेहतरीन प्रॉफिट इसमें अर्न कर सकते हैं। तो देखिए, जो पहला शेयर है वो हमारा टेक महिंद्रा, काफी जबरदस्त चार्ट पैटर्न है और यहाँ पर बात करें तो जबरदस्त यहाँ पर ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। यहाँ देखिए ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पर सस्टेन होता है तो निश्चित रूप से काफी बेहतरीन इसमें आपको रिटर्न मिल सकता है। और यहाँ पर जो आपका अपना स्टॉप लॉस रखना है वो जस्ट इसके नीचे रखना है। देखिए ये ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा था, इसी ट्रेंड लाइन को आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी मतलब यहाँ पर रिट्रेसमेंट में मतलब इसको अगर रिटेस्ट करता है और फिर से रिवर्सल का साइन दिखाता है तो आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के भी आप उसको देख सकते हैं, जैसे इसको रिट्रेस करके फिर से ये रिवर्सल का साइन देगा वहां पर आप बाय करते हैं और काफी बेहतरीन आप इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। फिर अगला है ब्रिटेनिया इंडस्ट्री, ये भी काफी जबरदस्त स्टॉक है। अगर हम इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो देखिए ये ट्रेंड लाइन है और ये काफी जबरदस्त ट्रेंड लाइन है, और ये ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ पर ब्रेक होता है तो निश्चित रूप से आपको इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए बात करें तो नीचे का जो सपोर्ट लाइन है वो ये है, अगर इस सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर देता है तो फिर काफी तेजी से इसमें गिरावट होगा, लेकिन जो गिरावट है वो काफी लिमिटेड है क्योंकि स्टॉक जो है फंडामेंटली काफी सॉलिड है। हम जो भी स्टॉक्स आपके लिए लेकर आते हैं वो खास करके फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स लेकर आते हैं, क्योंकि आपका जो ट्रेड उल्टा जाएगा तो भी आपको उतना ज्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो मतलब ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो काफी जबरदस्त प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो ये सारे फंडामेंटली काफी सॉलिड शेयर्स हैं। यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट होता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर इसको बाय करते हैं। ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, आप वहां पर जाकर के भी देख सकते हैं, इसका चार्ट मैंने डाला था। यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट होता है मतलब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है आप बाय कर सकते हैं, और यहाँ पर जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 4150 का, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। और उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फिर हमारा इसमें जो टारगेट हो जाएगा वो लगभग 4800 का होगा, तो सेकेंड टारगेट। लेकिन जो शॉर्ट टर्म टारगेट होगा, पहला हमारा इसका ऑल टाइम हाई होगा। ये दो बेहतरीन शेयर थे जिसको मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इन दोनों शेयर्स को आप बाय करते हैं, दोनों का प्रॉपर स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं तो खास करके गिरावट में ही बाय करना है, जैसे ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज को, यहाँ पर हर गिरावट में आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। ये सारे जो स्टॉप लॉस है और यहाँ पर जो टारगेट है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स काफी ऊपर भी जा सकता है, या हो सकता है लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स ये आपको यहाँ से काफी नीचे प्राइस पे भी मिल सकता है, वो कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म के लिए सारे लेवल्स आपको बताए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।